अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो लेके आई रेसिपी वो है अरवी और कीमे का सालन, जो बहुत मज़े का बनता है। तो मैं आपको इसके कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिससे वो अरवी की जो लेस है वो ख़त्म हो जाती है। अरवी मैंने लिया, इसको धो के रख लिया, तो अब इसमें बड़ी लेस होती है, छीनने से हाथों पर हारिश भी हो जाती है। तो उसकी टिप ये है कि आप इसको पानी में डालें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक पैन में डालें। इसमें मैं डालूंगी हल्दी, हाफ टी स्पून हल्दी डालूंगी, पानी डालूंगी इसमें इतना कि ये इसमें गीली हो जाए। बस अब मैं इसको बॉयल दूंगी, ये मैं कम से कम इसको गलने देख लूंगी, छुरी से इसको चेक कर लूंगी, जब थोड़ी सी गल जाएगी तो मैं फिर इसको उतार लूंगी, ये गलने तक इसको बॉयल करना। तो इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाएगी, वो आपके हाथों पर हारिश भी नहीं होगी, आप आराम से इसको पील कर सकते हैं। को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया, अब मैं कीमे की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने कीमा ले लिया, ये तकरीबन 1.5 पाव कीमा है, एक बड़ी प्याज ले ली है, एक टमाटर है, ये 4-5 जब लहसुन के हैं, हरी मिर्चें हैं 3-4, और ये थोड़ी सी अदरक है। तो ये सारा कुछ मैं डालूँगी पैन में और इसको ऊपर रख दूँगी, बाकी इसमें जाएंगे जो मसाले वो भी बताती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मैंने कीमा डाल दिया, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून मिर्चें, बस इसको मैं काट के पानी डाल के तो इसको पकने के लिए रख दूँगी। आधा कप पानी डालने लगी हूँ क्योंकि कीमा जो है बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालूँगी। अब इसको करूँगी मिक्स अच्छे से, इसमें डालूँगी, अब मैं इसको रखूँगी स्टोव पर। बॉयल हो गई है, ये देखें इसको छुरी के साथ हम ये लगा के ऐसे टच करके देखें, ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी ठंडा पानी ताकि ये आराम से मैं छील सकूं, तो इसको पानी को गिरा के मैं ठंडा पानी डालूंगी। ये देखें पानी मैंने ठंडा डाल दिया, अब ये मैं छुरी के साथ इसको इजीली छील लूंगी। ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान, जो इसमें थोड़े गंदे गंदे पार्ट्स हैं वो आप काट दें साथ। ये देखें ऐसे छील गई है, अब मैं इसको साइड पर रख दी जाऊँगी। इसी तरह मैं सारी अरवी छील के आपको दिखाती हूँ। मैंने अरवी को साफ करके छील के एक दफ़ा पानी में धो लिया, अब मैं इसके पीस करूँगी। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने करने हैं जितने आपको चाहिए, बड़े बड़े भी बस लोग ऐसे ही डाल देते हैं पूरी की पूरी, लेकिन मैं इसके 2-2 पीस करूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और कीमा हमारा जो है वो उसका पानी ड्राई हो गया, अब उसमें मैं डालूँगी ऑयल और उसको भून के, तो बस हल्का सा इसमें शोरबा करेंगे इसमें डाल के। कीमा गल गया, पानी भी इसका ड्राई हो गया, मैं इसमें डालूंगी ऑयल, घी जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। अब इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें डाल दूंगी जो कि मैंने बचाई हुई थी। इसमें गरम मसाला लाजमी डालना है क्योंकि ये बादी होती है, इसलिए गरम मसाला लाजमी डालेंगे ताकि बादी ना लगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कीमा बहुत अच्छे से भून गया हमारा, ऑयल भी आना शुरू हो गया, निकलना शुरू हो गया इसमें से। अब मैं इसमें डालूंगी ये अरवी, इसको ज़्यादा भूनते नहीं है, इसको सिर्फ 2-3 दफ़ा चम्मच चलाना है, और ये वैसे गल गई हुई है, अभी से भी ज़्यादा गली हुई है। इसमें डालूंगी ये देखें सूखी मेथी है 1 टेबल स्पून के करीब, इसको मल के डालूंगी बिस्कुट डालूँगी, और ये इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसमें हल्का सा करूँगी शोरबा बिस्मिल्लाह। अब मैं इस पर जब उतारने लगूँ फिर धनिया डालूँगी, अभी मैं इसको ऐसे ही पकने के लिए रखने लगी, 5 से 7 मिनट पकेगा। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
कि हमारा सालन बहुत शानदार बना है, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है। आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करिएगा अपने अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और उनका बहुत शुक्रिया जो देखते हैं और बनाते हैं और मुझे फीडबैक देते हैं। इसका बहुत दिल खुश हो जाता है मेरा जब आपकी वो कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो हौसला और भी बढ़ जाता है। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे। अब चाहती हूँ इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।